नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी सिंपल तरीके से अंडा कड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से अंडा कड़ी बना के जरूर देखिएगा, खाने में आपको टेस्टी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 5 उबले हुए अंडे, और एक अंडे को मैंने इस तरीके से 2 टुकड़ों में कर लिया है। अंडे आप अपने जरूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी मसाला बनाते टाइम बता दूंगी। सबसे पहले कढ़ाई में हम ले लेंगे थोड़ा सा तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम अंडे डाल के फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। डालते टाइम गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे। 2 मिनट के लिए अंडों को हम पलट पलट के फ्राई करेंगे। तो एक तरफ हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम सभी अंडों को पलट देंगे। बस हल्का ही कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करना है हमें। सभी अंडों को पलट दिया है, कुछ देर हम वेट करेंगे ताकि दूसरी ओर भी अंडे हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए। अंडे का कलर जैसे ही अच्छे से चेंज हो जाए हम निकाल लेंगे, और दोनों ओर से आप देख सकते हो अंडे अच्छे से हमारा फ्राई हो गया है। पैन में हम डालेंगे 3 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा को हम पहले फ्राई करेंगे। जीरा जैसे ही हमारा फ्राई हो जाए हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। साथ ही मैंने 2 हरी मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है। तीखा कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे प्याज के कलर चेंज हो जाने तक। 4 से 5 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लिया है। जैसे प्याज हमारा फ्राई हो जाए हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट के लिए और हमें भून लेना है। अदरक लहसुन जैसे ही भून जाए हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। साथ ही हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करेंगे। डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। थोड़ा सा हम पानी डाल के मसाले को 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक टमाटर हमारा पूरी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। तो अच्छे से हम पहले मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करके ढक देंगे। तो अच्छे से मसाले मिक्स हो जाने के बाद गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो पे करके ढक देंगे 3-4 मिनट के लिए, और बीच में खोल के आप एक बार मसाले को स्पैचुला से चला लीजिएगा। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब हम डालेंगे 3 चम्मच दही। दही डालने के बाद 2 से 3 मिनट और मसाले को हमें भून लेना है। साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है। पैन को कवर कर देंगे हम फिर से 2 से 3 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए, मसाले अब हमारा अच्छे से भून चुका है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और डालेंगे यहाँ पे करीब 1/2 कप पानी। पानी आप उतना ही डालिएगा जितना आपको ग्रेवी चाहिए। आप देख सकते हो टमाटर भी पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। तो मैं यहाँ पे डाली हूँ 1/2 कप पानी। पहले हम ग्रेवी में एक बॉयल आने देंगे। डालेंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। जैसे ग्रेवी में बॉईल आ जाए हम डाल देंगे एक एक करके अंडे। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम अंडा कड़ी को ढक के पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। सभी अंडे डालने के बाद हम हल्के हाथों से एक बार मिक्स कर लेंगे और पैन को कवर कर देंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए और हमारा टेस्टी अंडा करी बनके तैयार है। एक बार हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे, और ग्रेवी आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है। तो ग्रेवी आप अपने पसंद के अनुसार यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल थोड़ा सा और डालेंगे हम लास्ट में कटा हुआ हरा धनिया, और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और अंडा कड़ी को हम सर्व कर लेंगे 1 प्लेट में। और अंडा कड़ी देख के जितना आपको ये टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा।
तो फ्रेंड्स आज की ये सुपर टेस्टी अंडा कड़ी की रेसिपी एक बार मेरे कहने पे जरूर बना के देखिएगा, और खाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।